नमस्कार दोस्तों, अमित सावंत ऑफिशियल इस YouTube चैनल के एक नए स्वादिष्ट वीडियो में आपका स्वागत है। स्वादिष्ट इसलिए क्योंकि आज वीडियो होने वाला है खाने पे। जी हाँ, मैं आज आपको एक मजेदार रेसिपी दिखाने वाला हूँ। हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक ट्रेडिशनल डिश। हाँ, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। दोस्तों, इस ट्रेडिशनल डिश का नाम है पोप्टी। है ना मजेदार नाम, वैसे ही डिश भी मजेदार है। दोस्तों, जनवरी से लेके मार्च तक का सीजन होता है पोप्टी बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए जिन पत्तों की जरूरत होती है वो पत्ते यानी वो पौधे उगते हैं इसी सीजन में। जी हाँ, ये पौधे उगते हैं, उगाए नहीं जाते, क्योंकि एक जंगली वनस्पति होती है। इन पत्तों में एक अलग तरह की महक होती है, जैसे हमारे अजवाइन के पत्तों में होती है, और ये दिखते भी अजवाइन के पत्तों की तरह ही होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भामरूड़ के पत्ते बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं ये भामरूड़ के पत्ते होते कैसे हैं और हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनाते हैं। चलिए मेरे साथ। देखिए, यहाँ पे भामरूड़ के पौधे जगह जगह पे है। ये जंगली वनस्पति है तो वो ऐसे ही उग जाते हैं एक सीजन के दरमियान। आइए इन भामरूड़ के पत्तों को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अजवाइन के पत्तों जैसे ही दिखते हैं और उसकी जो महक है वो भी अजवाइन के जैसे ही ऑलमोस्ट होती है, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रांग महक होती है, यानी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपने अगर उसको होल्ड किया है तो आपके हाथ में भी वो महक आ जाएगी। बहुत सारे भामरूड़ के पत्ते तो हम लोगों ने अभी जमा कर लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 32 लोग हैं, जिनमें 6-7 बच्चे हैं और बाकी सब बड़े हैं, तो उसके हिसाब से ही हम लोग सामग्री जुटा रहे हैं। आगे देखते हैं कि भामरूड़ के पत्तों के अलावा पोप्टी बनाने के लिए और क्या क्या सामग्री लगने वाली है। पोप्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगने वाले हैं 2 बड़े मट्टी के मटके। वैसे आप इसे कम कर सकते हैं लोगों के हिसाब से, लेकिन 2 मटके हम 32 लोगों के लिए तो लगने ही वाले हैं। फिर हमें लगने वाले हैं वाल शेंग। अभी ये मराठी नाम है, हिंदी में शायद इसे वाल फली कहते हैं, जैसे मूंगफली होता है वैसे वाल फली। आप प्लीज आपके लोकल भाषा में इसे क्या कहते हैं वो देखिए, लेकिन ये वाल फली बहुत टेस्टी होती है पोप्टी में। जैसे भामरूड़ के पत्ते हैं वैसे ही वाल फली बहुत इंपॉर्टेंट है पोप्टी के लिए, और उसका सीजन भी यही है। ये वाल फली हमें 7 kg लगने वाली है, जितने लोग है उसके हिसाब से। हम लोग तो ये नॉनवेज पोप्टी बना रहे हैं, तो हमने चिकन लिया है 5 kg और 60 अंडे लिए हैं। अगर आपको इसे वेजिटेरियन बनाना है तो आप बना सकते हो, तो उसके हिसाब से फिर आप रतालू यूज कर सकते हो, यानी स्वीट पोटैटो यूज कर सकते हो, कॉर्न्स यूज कर सकते हो, तूर के बीन्स यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं तूर बीन्स भी। तो आप देखिए आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। फिर हमें चाहिए थोड़ा सा सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, और फिर आपके स्वाद के अनुसार मसाला और नमक। यहाँ पे हम मालवणी मसाला यूज कर रहे हैं, तो आपको जो पसंद हो वो मसाला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये हम लोग चिकन मैरिनेशन के लिए यूज करने वाले जो मालवणी मसाला है वो। ये जो रेसिपी है ये आपको घर पे नहीं बनानी है, क्योंकि घर पे तो गैस खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है, तो इसे हम बाहर करेंगे। और बाहर बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें जरूरत पड़ेगी चूल्हे की। तो चूल्हा यानी जैसे हम लोग नॉर्मली चूल्हा होता है वैसे नहीं चाहिए, आपको खाली ईंटें जमा करनी है। तो अगर एक मटका है तो उसके लिए शायद 3 ईंटें बस हो जाएगी, तो हम लोगों ने वैसे 6 ईंटें जमा कर ली है। और सूखी लकड़ियां है, घास है, क्योंकि हम लोग उसको फायर करने वाले हैं, तो जलाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली सूखी लकड़ियां लगेगी, घास लगेगी, तो इसका इंतजाम आप पहले ही कर लो। बस अगर ये सब चीजें आपने जुटा ली है तो आप आसानी से पोप्टी बना सकते हो। ये बेसिकली जब कभी फैमिली गेट टुगेदर होता है या हम लोग कभी पिकनिक पे जाते हैं तो है ना एकदम बेस्ट है, बेस्ट पोप्टी बनाना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके लिए कैसे तैयारी की जाती है। अभी ये मालवनी मसाला है जो मिक्स किया जा रहा है चिकन के साथ मैरिनेशन के लिए। थोड़ा तीखा ना हो जाए उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये तीखा होता है, वैसे नॉनवेज है तो थोड़ा तीखा ही चाहिए रहता है। एनीवे, इसके साथ अभी डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक। आप क्वांटिटी देखिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको नमक कितना डालना है। चलिए, मैरिनेशन स्टार्ट हो चुका है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि ये डिश बनाने वाला है हमारा दोस्त, हमारा भाई स्वप्निल, जो कि पोप्टी बनाने में एक्सपर्ट है। यहाँ वाल फली को थोड़ा सा पानी दे रहे हैं,
एक्चुअली वॉल फली हम लोगों ने पहले ही धो के रखी हुई थी, तो अभी वापस से उसको थोड़ा सा पानी में मिला के थोड़ा सा धो रहे। ये है 60 अंडे और यहाँ पे आलू और प्याज को कट मारा जा रहा है ताकि उसमें हम लोग मसाला भर सके। वाह क्या खूबसूरत लग रहा है, देखिए कलर, कलरफुल डिश, बढ़िया एकदम। ये देखिए ऐसे तरीका है मसाला भरने का, आलू प्याज और जो भी, अगर आप वेजिटेरियन कुछ भी ले रहे हो तो ये तरीका है, आप कट मारो और उसके अंदर मसाला भरो। ये है हमारी ऑडियंस, जैसे आप ऑडियंस हो, आप कोफ्ती बनाते हुए देख रहे हो, वैसे ये लोग भी कोफ्ती की प्रोसेस देख रहे हैं। भाई हम लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं, आप भी दोस्तों और परिवार के साथ ही कोफ्ती बनाओ तो ही मजा आएगा आपको, हंसी मजाक और टाइम पास। आलू और प्याज की स्टफिंग अभी भी चल रही है, देखो आधे हो चुके आधे बाकी है। ये और एक दोस्त है रोहन जो स्वप्निल को हेल्प कर रहा है कोफ्ती बनाने में, और उसके हाथ में है बड़ा सा मटका जो हम यूज करने वाले हैं कोफ्ती बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था हमें दो मटके लगने वाले हैं, और इस मटके का साइज देख के आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको कितना बड़ा मटका चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करो। और अभी स्वप्निल और रोहन दोनों मिलके भामरूड़ के पत्तों को कट कर रहे हैं। बेसिकली इसके रूट्स को कट करना जरूरी है क्योंकि इन पत्तों को धोया नहीं जाता है और मट्टी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए रूट्स को हम लोगों को अलग करना पड़ता है। पत्तों को ड्राई ही रखना है क्योंकि बाद में हीट की वजह से इनमें से पानी निकलना स्टार्ट होता है। अभी स्वप्निल हमें दिखाएगा कि भामरूड़ के पत्तों को अरेंज कैसे करते हैं मटके में, क्योंकि इसे अरेंज करने का भी एक तरीका होता है जिससे कि अंदर रखी हुई खाने की चीजें जल ना जाए क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ ऑलरेडी पत्तों को डाल दिया गया है निचले सरफेस पे और अभी स्वप्निल उन्हें अरेंज करेगा साइड बाय साइड, आपको देख के ही पता चल जाएगा। अभी बारी है वाल फली डालने की भी, इसके साथ ही सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट भी इसमें डालेंगे। देखिए सभी लोग इस कोफ्ती बनाने की प्रोसेस को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और खाने को कब मिलेगा इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम है खाने के लिए। ये देखिए वालफली के ऊपर सेंधा नमक डाला जा चुका है और अभी बारी है फाइनली मैरिनेटेड चिकन डालने की। आ रहा है ना मुंह में पानी, ऐसे ही देखते हुए एंजॉय कीजिए। ये देखिए इसमें हर चीजों को लेयर में अरेंज करना होता है और उसी के साथ भामरूड़ के पत्तों को भी साइड से अरेंज करते जाते हैं। ये देखिए भूखी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार करती हुई कि कब कोफ्ती खाने को मिलेगी। अभी बारी है आलू प्याज और अंडे डालने की, मटके में अंडे रखने की। वैसे आपको बता दूं कि अंडे उबाले नहीं है, कच्चे ही है, तो आपको इसे संभाल के रखना है। सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मटका भर जाता है तो उसके बाद हमें मटके को पत्तों से ही सील करना पड़ता है, एक्चुअली इसे सील पैक करना होगा क्योंकि मटके हम उल्टे रखने वाले हैं चूल्हे पे ना कि सीधे, तो मेक श्योर करना कि सील अच्छी तरह से हुआ है, नहीं तो पूरा खाना मटके से बाहर आने के चांसेस हो जाते हैं। पत्तों से सील करने के बाद छोटी छोटी लकड़ियों से भी इसे पैक कर लीजिए, जिसे हम स्पिल प्रूफ सीलिंग बोल सकते हैं। देखिए जैसे रोहन हमें दिखा रहा है ऐसे होता है मटका सील पैक, अभी इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। दूसरा मटका रेडी है और आपको ठीक से समझाने के लिए हमने मटके के अंदर का व्यू लिया है ताकि आपको पता चले कि कैसे सरफेस को पत्तों से ढकना है। बाहर से भी आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने पत्ते कैसे अरेंज किए हैं, ये एकदम परफेक्ट एंगल है। अभी हम पहले वाले तरीके से ही दूसरे मटके को भी फिल करेंगे और उसको सील कर देंगे। देखिए बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि कब हमें खाने मिलेगी कोफ्ती, इसलिए कुछ तो टाइम पास कर रहे हैं। देखिए कितनी खूबी से इसे अरेंज किया है और कितनी कलरफुल लग रही है ये रेसिपी। कोफ्ती बनाने की प्रोसेस इतने लोगों ने मोबाइल में शूट कर ली है ताकि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रख सके, लेकिन सच में है ना मजेदार रेसिपी, करने में भी मजेदार और खाने में भी लाजवाब, इसलिए इसे पिकनिक स्पेशल रेसिपी कहा जाता है। देखिए ये मटका भी अभी लबालब भर गया है, अभी इसे भी पत्तों से सील पैक कर देंगे।
ये देखिए दोनों मटके कस के सील पैक किए जा चुके हैं। अभी इन्हें चूल्हे पे अरेंज करना है। ध्यान से देखिए इसे कैसे अरेंज करते हैं तीन ईंटों के ऊपर। अब सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करके इन्हें थोड़ा ढकना होगा और फिर उसके ऊपर हम सूखी घास अरेंज करेंगे ताकि जलने में कोई परेशानी ना हो। देखिए दोनों मिलके कैसे लकड़ियों को अरेंज कर रहे हैं एकदम प्रॉपर वे से। चलो अभी घास डाल देते हैं और उसे पूरा ढक देंगे ताकि जलने में कोई समस्या ना हो। वैसे अगर घास अच्छी हो यानी सूखी हो तो आपको कोई भी रॉकेल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जल जाएगा। और पोपटी बनाने की सबसे खास बात क्या है पता है कि पोपटी तो बनाओ ही, यानी हम लोग पोपटी बना के खाएंगे भी और साथ में हम लोग कैंप फायर का भी मजा ले सकते हैं। अभी इसके अराउंड आप जमा हो सकते हो, आप गाने गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आपको जिस तरीके से चाहिए वैसे आप एंजॉय कर सकते हो, यानी एक में दो का मजा। अब आपको एक्चुअली पता चला रहेगा कि इसे पिकनिक स्पेशल रेसिपी क्यों कहते हैं। जैसे जैसे घास लगेगी हम लोग उसमें घास डालते जाएंगे और ये पकता रहेगा। आपको इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तब इसे निकालना होता है और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। आपके पास जलाने के लिए जितने अच्छे साधन होते हैं उतनी ही जल्दी खाना पक जाता है। खाना पकने तक वो टाइम आपको एंजॉय कैसे करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसे डिसाइड करो वैसे एंजॉय करो। देखिए खाना पकने का सब कैसे इंतजार कर रहे हैं। पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसको बनाने के प्रोसेस में सब हिस्सा लेते हैं, मस्ती मजाक होता है, एंजॉय करते हैं और डिश कब बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये रेसिपी करना वर्थ है। देखिए चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इस चांद को देख के वो गुलजार साहब की पंक्तियां याद आती है, रात ने अपनी थाली में चांद परोसा लगता है। सही है ना। फाइनली 30-45 मिनट्स पकाने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दिया 10-15 मिनट के लिए और अभी देखते हैं कि पकने के बाद कैसे इसे इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं। मटका बहुत ही गर्म होता है तो रोहन के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने चमड़े के चप्पल यूज किए हैं मटके को पकड़ने के लिए। मैं आपको लोगों के रिएक्शन सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि एक्साइटमेंट कितनी हाई थी। बहुत एंजॉय किया हमने पोपटी रेसिपी के प्रोसेस को और अभी इसे देख के रहा तो नहीं जा रहा है। एक मटका पूरा खाली करने के बाद अब दूसरे मटके की बारी। ये हमने खोला दूसरा मटका। आप देख सकते हो ये कितना गर्म है, पूरी बाफ निकल रही है, तो इसे निकालते वक्त केयरफुली निकालना बहुत जरूरी है। आप जब भी कीजिएगा बहुत संभाल के कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चिकन कैसे पका हुआ है। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से पका हुआ है। देखो देखिए रेशे रेशे सब निकल रहे हैं और बाकी के सभी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी हम आराम से खाने का मजा लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं वीडियो में अटका रहा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, तो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पोपटी बनाओ खाओ और खुद जान जाओ। तो दोस्तों आपको ये पोपटी रेसिपी बनाने का वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अमित सावंत ऑफिशियल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों वैसे मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हो, लाइक करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब किया करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।